हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आर्क एकेडमी। तो हमारी एक जो ये सीरीज़ चल रही है जिसमें हम आपको मेंस आंसर राइटिंग के जस्ट जो है वो बता रहे हैं, जिसमें क्या पैटर्न होते हैं क्वेश्चंस के पेपर वाइज, तो उसी सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे पेपर थ्री को। और पेपर थ्री में भी पर्टिकुलरली हम 5 मार्कर में बायोलॉजी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो पेपर थ्री है हमारा वो बहुत डाइवर्सिफाई है। उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपका जो कोर साइंस है या बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट और मैथ्स, है ना, तो ये सारे क्वेश्चंस की जो डिमांड रहेगी आंसर राइटिंग में वो चेंज हो जाएगी। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ बायोलॉजी के क्वेश्चंस। तो बायोलॉजी में जब आप 5 मार्कर्स को देखोगे तो ब्रॉडली आप उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, जिसमें एक टाइप का क्वेश्चन होता है डिफरेंस बिटवीन, और उसी को हम एक अलग फॉर्म में बोलते हैं कि डिफरेंस ना बोल के एक कंपैरेटिव नोट लिखने के लिए। और दूसरा क्वेश्चन जो होता है वो होता है राइट अ शॉर्ट नोट या ब्रीफली एक्सप्लेन। इसमें आपको कोई भी साइंटिफिक टर्म हो सकता है, कोई स्ट्रक्चर हो सकता है या कोई बेसिक थ्योरी जो है उसमें उसको एक्सप्लेन करने के लिए आता है। तो पहले हम देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन के जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, एरोबिक एंड एनएरोबिक प्रोसेस। तो जब भी हम डिफरेंस वाले क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं तो हमारा जो अप्रोच होगा वो 3 कॉलम्स में जाएगा, जिसमें एक कॉलम हमारा बेसिस से रिलेटेड होगा, फिर जो 2 कॉलम होंगे बाकी के वो हमारे जो भी टर्म्स या जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हम उनके बारे में बताएंगे। तो मैं दोनों का एक एक मॉडल आंसर डिस्कस करूंगी। तो पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन या कंपेयर। तो ये आप ऐसे देखोगे कि 3 कॉलम्स आपको बनाने हैं, जो आपकी स्टैंडर्ड कॉपी आती है उसकी विड्थ काफ़ी आती है ना, 5 मार्कर्स में 50 to 60 वर्ड्स, ये सारी बातें हम पुरानी सीरीज़ में डिस्कस कर चुके हैं, बस अभी हम कॉपी को लेके श्योर नहीं है तो वो लाइंस के अकॉर्डिंग। अदरवाइज आप विड्थ देखोगे तो विड्थ कॉपी की काफ़ी अच्छी आती है, इसीलिए जब आप 3 कॉलम्स में आंसर लिखोगे तो वो काफ़ी नीट एंड क्लीन लगेगा, ठीक है। प्लस 3 कॉलम में लिखने का फ़ायदा ये है कि कम वर्ड्स में, क्योंकि आपको यहाँ पे दोनों बार सेंटेंस रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक कॉमन बेसिस लेके चलते हैं और यहाँ पे आप प्रेजेंट, एब्सेंट, फाउंड, नॉट फाउंड, फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड, इस टाइप से वर्ड्स में उसको डिवाइड करके जो अपना टाइम मैनेजमेंट होता है उस पर भी आप अच्छे से डील कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है कि पॉइंट्स जो रहेंगे आपके, बेसिस जो रहेंगे, उनमें मार्किंग भी ज़रूर करनी है ना। कई लोग उसमें मार्किंग नहीं करते, आप कुछ भी रोमन नंबर्स में 1, 2, 3 या ABC करके मार्किंग कर सकते हैं बेसिस पॉइंट्स की। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में यहाँ पे उन्होंने जो क्वेश्चन दिया था उसमें आपने कीवर्ड अगर देखा तो वो है स्ट्रक्चर। वैसे भी जो डिफरेंस होते हैं वो उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही बताएंगे, मतलब अपीयरेंस कैसा है सेल्स का। तो जब हम किसी भी सेल को देखेंगे या प्लांट सेल एनिमल सेल में अपन जैसे ही उनको देखते हैं तो सबसे पहला जो अपीयरेंस होता है वो होता है उनकी सेल मेम्ब्रेन का, या जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन रहती है उनका। तो यहाँ पे अपन सिंपली मेम्ब्रेन जब लिखेंगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि प्लांट सेल में 2 मेम्ब्रेन्स मिलेंगी आपको, है ना, एक तो होगी सेल वॉल और एक होगी सेल मेम्ब्रेन, या इसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, आप प्लाज्मा वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जब आप यहाँ लिखोगे तो यहाँ पे आप ओनली वर्ड के साथ लिख सकते हो, ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फाउंड, या इस फाउंड अगर नहीं भी लिखोगे तो इतने में भी चल जाएगा, ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकेंड पॉइंट जब आप देखोगे तो ये आता है स्ट्रक्चर से रिलेटेड, दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है शेप। तो यहाँ पे जब हम प्लांट सेल देखते हैं तो वो उसका शेप जो है वो हमेशा फाइनाइट होता है, और जो एनिमल सेल रहती है उसका नॉन फाइनाइट या नॉट फिक्स्ड। जब आप डायग्राम्स भी देखोगे तो आप प्लांट सेल को कैसे भी, एनिमल सेल को कैसे भी बना सकते हो इस टाइप से स्ट्रक्चर, लेकिन प्लांट सेल में हमेशा या तो एक स्क्वेमस स्ट्रक्चर, या आपने ये वाला स्ट्रक्चर NCERTs में काफ़ी ज़्यादा देखा होगा जिसमें उसकी डबल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो आप बता सकते हो, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस या न्यूक्लियस का जो पोजीशन होती है, जो लोकेशन होती है। यहाँ पे आप जनरली प्लांट सेल में देखोगे तो वो कहीं पे भी पेरीफेरी पे आपको ज़्यादातर दिखेगी, जबकि एनिमल सेल में इन जनरल आपको न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रली लोकेटेड मिलेगा, मिलेगा दोनों में क्योंकि दोनों ही यूकैरियोटिक सेल हैं, ठीक है। तो ये आप इनकी लोकेशन के बेसिस पे ये वाला पॉइंट लिख सकते हो। फोर्थ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्लांट सेल और एनिमल सेल के स्ट्रक्चर का वो है वैक्यूल्स।
क्योंकि प्लांट सेल ऑटोट्रॉफिक होती है, इसीलिए यहाँ पे हमें लार्ज वैक्यूल्स मिलते हैं। आप चाहो तो अगर आपका डायग्राम बहुत ज़्यादा अच्छा है तो छोटे डायग्रामेटिक फॉर्म में आप चीज़ों को एक्सप्लेन भी कर सकते हो। ये वैक्यूल का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे जनरली स्मॉल भी होते हैं और नंबर में भी लेस होते हैं, तो आप स्मॉल एंड लेस भी लिख सकते हो, यहाँ पे लार्ज एंड मोर भी लिख सकते हो, ठीक है। और लास्ट, वी ऑल नो बिकॉज ऑफ ऑटोट्रॉफिक नेचर, क्लोरोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट होगा वो हमें यहाँ पे अपन लिखेंगे प्रेजेंट, यहाँ पे लिखेंगे कम्प्लीटली एब्सेंट। तो ये अपने बेसिक पांच पॉइंट्स हो गए, फाइव मार्कर के हिसाब से फाइव पॉइंट्स। अगर और आपने छोटे से डायग्रामेटिकली इसको एक्सप्लेन कर दिया है तो फिर वो एक आपका प्लस पॉइंट है, लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट का जो है वो ध्यान रखना ही रखना है, क्लियर। तो ये हो गया हमारा एक प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस बिटवीन या कंपेरेटिव वाला आंसर। अब जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट जो अपना था ब्रीफली एक्सप्लेन या राइट अ शॉर्ट नोट, डायरेक्ट क्वेश्चन था 2019 वाले पेपर में, माइटोकॉन्ड्रिया पे एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो इसमें आपका सबसे पहला जो पोर्शन है आप शुरू करोगे, जैसे कि आपका आंसर डिवाइडेड रहता है इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन। तो यहाँ पे कंक्लूजन का काम नहीं है, लेकिन इंट्रो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे आपकी इंट्रो बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन होनी चाहिए। तो आपको ज़्यादातर जितने भी सेल स्ट्रक्चर सिलेबस के अंदर है या सेल ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे इस बार माइटोकॉन्ड्रिया आया, शायद अगली बार न्यूक्लियस आ जाए या क्लोरोप्लास्ट आ जाए, तो आप बिल्कुल उसकी डेफिनेशन एक याद रखेंगे कि इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड अ यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। आप यूकैरियोटिक सेल को ज़रूर मेंशन करेंगे क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में ही अपन को ये स्ट्रक्चर मिलेगा। फिर उसके बाद इसका जो मेन फंक्शन है वो है इसको, या हमें कॉमनली क्या नाम से इसको जानते हैं, तो एनर्जी करेंसी ऑफ सेल या पावर हाउस ऑफ सेल। यहाँ पे आपको एक जो एडवांटेज मिलेगा, अगर आपको उसके जिसने डिस्कवर किया है साइंटिस्ट वो याद है तो आप उस आंसर में उनको भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे अल्टमैन, क्योंकि ये एक राइट अ शॉर्ट नोट है तो यू आर हैविंग अ फ्री हैंड कि आप कुछ भी उसके बारे में लिख सकते हो, स्ट्रक्चर, फंक्शन, डिस्कवरी, उसका कॉमन नेम। फिर यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर में आपके पास अगर आपको डायग्राम बनाने में इजी नहीं है या कंफर्टेबल नहीं है तो आप सिंपल लिख सकते हो कि इसके स्ट्रक्चर में जो दो मेम्ब्रेन होती हैं उनके बीच में हमको क्रिस्टे स्ट्रक्चर मिलते हैं जहाँ पे एक्चुअल में हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है। तो मेन इम्पॉर्टेंट इसमें जो है वो है कि आपको रिएक्शन तो लिखनी है, इससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है, जैसे क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होती है वैसे यहाँ पे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। तो हमने ये एक्सप्लेन कर दिया। और अगर आपका डायग्राम बनाने में बिल्कुल ईजी जाता है और आप उतने टाइम में बना सकते हो तो ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप एक छोटा सा डायग्राम माइटोकॉन्ड्रिया का बना देंगे जिसमें आप उसकी दो चार जो लेबलिंग है उसके कॉम्पोनेंट्स की वो कर देंगे, मैट्रिक्स, क्रिस्टे, ये। तो ये आपका पूरा एक तरीका हो गया। फंक्शन में बहुत ज़्यादा नहीं लिखना क्योंकि आपने पावर हाउस बता दिया तो आप सिर्फ रिएक्शन से भी काम चला सकते हो। तो ये एक आपका विद इन 50-60 वर्ड्स एक वर्ड लिमिट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का आंसर प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप जैसे ये क्वेश्चन था प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, इसको हम कैसे अप्रोच करेंगे एरो के फॉर्म में। ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन नहीं है लेकिन इसमें दो डायमेंशंस जाएंगे क्योंकि जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो मेल में और फीमेल में अलग अलग होंगे। तो आप यहीं में यहीं क्वेश्चन की जो सब हेडिंग डाल के दो एरो निकाल के उनको बता सकते हो। सिमिलरली जब ब्लड ग्रुप सिस्टम की अपन बात करते हैं तो यहाँ पे भी जो साइंटिस्ट हैं कार्ल लैंडस्टीनर, उनका नाम इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उनका नाम लिखोगे तो ये आपके लिए एक एडवांटेज है। तो ये इसके अलावा इसको आप टेबुलर फॉर्म में बता सकते हो कैसे, जैसे कि आपने एनसीईआरटी का एक टेबल देखा भी होगा, है ना, वहाँ पे आपको यहाँ पे लिखेंगे ब्लड ग्रुप, एंटीबॉडी और एंटीजन। तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सी एंटीबॉडी कौन से एंटीजन होते हैं उसी से हमारा ब्लड ग्रुप सिस्टम गवर्न होता है। तो सीधे ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आपको ब्लड ग्रुप सिस्टम को समझाना है तो आप पहले इंट्रो में लिख सकते हैं कि हमारा जो है ब्लड ग्रुप सिस्टम को बोलते हैं ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, जो कि कार्ल लैंडस्टीनर ने दिया था, प्रोपाउंडेड बाय हिम। उसके बाद सीधे आप टेबल में बता के ए बी ए बी एंड ओ चार ब्लड ग्रुप्स को समझा सकते हैं। इतना आपके 50-60 वर्ड लिमिट के लिए इनफ है, राइट। तो अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि इन्हीं पैटर्न में आपके क्वेश्चंस आए हैं। अब हम नेक्स्ट सीरीज में डिस्कस करेंगे आगे अपने किसी टॉपिक के, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।